हम देखते हैं कि गोकू अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए ओमनी चैम्बर के अंदर चला जाता है और उधर दूसरी तरफ कोड़ा काइजो के साथ फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच काफी कड़ी टक्कर चल रही होती है। इस पे ग्योरा कहता है, ये आखिर भला कैसा सैयन है? क्या ये एक नॉर्मल लेजेंडरी सैयन है या फिर ये कुछ और है? पता नहीं, लेकिन ये आखिर कोड़ा का मुकाबला कैसे कर पा रहा है? इस पे काइजो कहता है, कोड़ा, तुम बस यही कर सकते हो क्या? मैं जानता हूं ये तुम्हारी पूरी ताकत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी उस ताकत की झलक को देखा है। तुम भला उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? कहीं तुम्हें भी डर तो नहीं लग रहा है ना? जैसे ही ये बात काइजो कहता है, हम देखते हैं कि कोड़ा उसे एक जोर का पंच मारता है और वो कोड़ा के पंच से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और इस पे कोड़ा कहता है, मुझे कैसे इस लड़ाई को लड़ना है ये मैं भली भांति जानता हूं। तुम्हें मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इस पे काइजो कहता है, चलो भी कोड़ा, मुझे पता है कि तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, और सच बात तो ये है कि तुम्हारा भी खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल मेरी तरह समझे, लेकिन लॉर्ड अकुमो ने तुम्हें कैद नहीं किया, उन्हें सिर्फ मैं ही दिखा था। इस पे कोड़ा कहता है, क्योंकि कुछ भी हो, मैंने अपने लोगों को नहीं मारा समझे, तुम्हें तो उस वक्त के बारे में कुछ पता भी नहीं है कि तुम्हारे हाथों कितने सैयंस मारे गए थे। सब कुछ तुम्हारी गलती थी। इस पे काइजो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो सब लड़ाई में मारे गए थे बेवकूफ, मैंने किसी को भी नहीं मारा, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं अपनी पूरी ताकत में थोड़ा सा बेकाबू हो गया था, लेकिन मैंने किसी भी अपने संयंस को नहीं मारा समझे। इस पे कोड़ा कहता है, लड़ाई के वक्त तुम हमारे संयंस को मार रहे थे, मैंने वो खुद अपनी आंखों से देखा था, समझे, और लॉर्ड अकुमो ने भी वो दृश्य देखा था। इस पे काइजो कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुमने और लॉर्ड अकुमो ने बिल्कुल गलत देखा था, उन्होंने तो मेरी बात सुनने की कोशिश तक नहीं की, और ना ही समझने की। मैंने जिन्हें मारा था वो हमारे सैयंस नहीं थे, और अगर वो होते तो वो बाकियों को ना मारते समझे। मुझे अच्छे से पता है मैं उन्हें समझने में कोई भी गलती नहीं कर सकता, मैं तो अपने सैयंस को बचा रहा था, और वो चार सैयंस जिनकी तुम और लॉर्ड अकुमो बातें कर रहे हो वो एक घुसपैठिए थे, वो चारों के चारों घुसपैठिए थे जो कि हमारे सैयंस के साथ मिलकर उन्हें ही मौत के घाट उतार रहे थे। मैं उसे खत्म कर रहा था समझे। इस पे कोड़ा कहता है, क्या ये भला तुम क्या कह रहे हो? इस पे काइजो कहता है, असली सच्चाई तो ये थी कि किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, और ये सब कुछ लॉर्ड अकुमो की गलती थी। मैं कहता रह गया लेकिन उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी, उन्हें लगा कि ये सब मेरे बेकाबू होने के कारण हुआ है, और उन्होंने मुझे उस रिमा के हाथों कैद करवा दिया। इस पे कोड़ा कहता है, ये तो सच में काफी अजीब बात है। इस पे ग्यूरा कहता है, हम भला कैसे मान लें
कि तुम जो कह रहे हो वही सच है। इस पे कोड़ा कहता है, ग्यूरा शांत हो जाओ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं अब सारी बातें समझ चुका हूं, क्योंकि मुझे इन चारों साइंस पे पहले से ही शक था। इस पे काइजो कहता है, मैंने काफी मुश्किल समय वहां पर काटा है और मैं इसकी सजा सबको दूंगा। और ये बात को कहने के बाद काइजो काफी गुस्सा हो जाता है और वो कोड़ा पे अपना हमला फिर से कर देता है। कोड़ा उसके हमले को रोकता है, लेकिन वो काइजो के हमले से काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो कहता है, मैं अपना पद किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं, और मैं लॉर्ड अकुमो को भी माफ नहीं करने वाला। इस पे कोड़ा कहता है, काइजो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये सब करके कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं होने वाला, समझे? तुम्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि हम सब किस मुसीबत में हैं। इस पे काइजो कहता है, मुझे किसी से भी कोई भी मतलब नहीं है, समझे? और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबको मार दूंगा, सबको। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं, ये तो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। अगर ये अपनी पूरी ताकत पे लड़ेगा तो ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। लेकिन सच में मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि काइजो के साथ ऐसा भी कुछ हुआ है और वो लॉर्ड अकुमो ने किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ है। सच में तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ है काइजो, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। इस पे काइजो कहता है, तुम्हारे अफसोस करने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं इससे पिघलने वाला हूं। मुझे मेरा पद चाहिए, मुझे तुम्हारे अफसोस की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मारकर अपने पद को लेकर रहूंगा, समझे? ये कहने के बाद काइजो फिर से कोड़ा पे अपना हमला करता है, लेकिन इस बार कोड़ा अपनी पावर को बढ़ाकर उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन फिर भी काइजो लगातार कोड़ा पे अपने हमले को किए जा रहा होता है और कोड़ा उस पे हमला नहीं करता और वो बस उसके हमले को रोके जा रहा होता है। इस पे ग्यूरा कहता है, कोड़ा भला ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर कब तक वो उसके हमले को ऐसे रोकता रहेगा, कब तक? काइजो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम देखते हैं कि कोड़ा अब काइजो को कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो उसके हर हमले को रोके जा रहा होता है। और कोड़ा अपने मन ही मन कहता है, काइजो मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जाने अनजाने में गलत हुआ है, लेकिन तुम्हें भी इस बात को समझना होगा, अभी ये वक्त हमारा आपस में लड़ने का नहीं है, हमें हर हाल में एक होना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी और क्योगा को दिखाया जाता है और वो दोनों एक साथ होते हैं। क्योगा यामोशी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी क्योगा को कुछ एहसास होता है और वो कहता है, यामोशी क्या आपने? इस पे यामोशी कहता है, हाँ क्योगा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने पीछे देखो। और जैसे ही क्योगा पीछे देखता है,
वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या नहीं, तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? उसे यामोशी भी देखकर कहता है, मुझे भी यकीन नहीं होता, हंटर क्योमासा। इस पे क्योगा कहता है, तुम भला यहां पर क्यों आए हो? इस पे क्योमासा कहता है, मुझे ये बात कहीं से पता चली है कि वो जिंदा है, तो मैं बस उसे दोबारा से मारने आया हूं, समझे क्योगा? ये बात को कहने के बाद क्योमासा वहां से गायब हो जाता है। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या वो कोड़ा को दोबारा से मारने आया है? उसे हर हाल में रोकना होगा, उसे हर हाल में रोकना होगा।